वो देखा हिरन, हिरन छो जोंक बहुत। एक दांत देखा, अंगूरों की कमी नहीं है यहाँ। नमस्ते सलाम। आज का मेरा वीडियो है मेरे फेवरेट प्लेस नैलचावी का। मुझे मतलब आज तक ऐसा प्लेस दिखा ही नहीं कहीं जैसा मेरे मामा जी के गांव का है। तो चलो दिखाता हूँ कैसा है। आज हम जा रहे हैं नैलचावी मामा जी के यहाँ। तेरी खुद तेरू ख्याल तेरू समलोण्या रुमाल, तेरी खुद तेरू ख्याल तेरू समलोण्या और हमारे आज हम जा रहे हैं नैलचामी। मैं तो 7-8 साल बाद जा रहा हूँ। मुझे मुझे बेहद पसंद है वहाँ का एनवायरनमेंट, सीरियसली। और लोकेशन इतनी प्यारी है कि देख के बताऊँगा। फिलहाल हम जाएंगे स्कूटी से, क्योंकि 50-55 किलोमीटर इसी से तय करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हमें बहुत ही ज़्यादा पैदल चलना है, अराउंड 182-200 किलोमीटर। वो कितने टाइम बाद जा रखा है जुगल जुगल की तरफ? मैं भी बहुत सालों बाद, बहुत सालों बाद मैं जा रहा हूँ भैया, कम से कम आप बता रहे हो दो यार डर के बाद। पहाड़ों में टू व्हीलर से ट्रैवल करना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। टेढ़े-मेढ़े रास्ते और रास्तों में दिखते ये खूबसूरत नज़ारे आंखों को सुकून देते हैं। बस आने वाला है, हमने आगे रोकनी है स्कूटी। बाद में भेड़सण ना ना, धन्यवाद। शहरों में हम एटिकेट्स की बात करते हैं, लेकिन असली एटिकेट्स गांव में दिखते हैं जब 2-3 बार चाय पूछी जाती है। हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी पैदल है चलने के लिए। सीरियसली अभी तो शुरुआत है, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे वापस। पता नहीं वो दादी जी पर दादी दी है, आप फुंगड़ाते हैं बंगाल काट ले। ये रिंगाल बांस का रिश्तेदार है। चल गए हम अराउंड 70 किलोमीटर्स, और इसके बाद अभी आप लगा सकते हैं 180 किलोमीटर और है, तो देखते हैं। ये घना जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ जंगली जानवर बहुत होते हैं। फिलहाल हम पानी भरने के लिए रुके हुए हैं, पर
बहुत ही जितना खामोशी जंगल है और खामोशी से कुछ आवाज़ें आ रही है इस जंगल की सुंदरता को और बढ़ा रही है। बहुत ही सुंदर। कोई बिचारी अगर मैं तो जानी पकोड़ा खान और दुई छुई बातें लगोण अपनी मामा अपनी सास की आराम से जाए भूले। अब हम पहुँचने वाला छा खाल में। खाल यानी कि पहाड़ सी चोटी जय के बाद दूसरी साइड नैल चामी लग जाती और जौन कभी पहाड़ चोटी नहीं देखी ना तो से देख सकते। खैर जो गांव में रंधो तैन किले नहीं देखे होले पर जय का बच्चा वगैरह बोलता होला कि पहाड़ चोटी कन होंगी सो अपने बच्चों तक दिखे सकते कि हाँ पहाड़ी चोटी इन होंगी इन जंद करो। ये जो आप मानव द्वारा निर्मित टीला देख रहे हो ये पहाड़ की हर उस चोटी में होगा जहाँ से इंसान आता जाता रहता है। तो ये एक सगुन के तौर पे बनाया जाता है शुभ होता है। तो ये देख सकते हो आप पहाड़ के उस साइड लैल चामी है और हम पहाड़ के इस साइड से आए हैं और ये है टीला जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है खूबसूरत आराम के लिए। अभी हमने लिया है ब्रेक बिस्किट ग्लूकोस और थोड़ा पानी। काफी थक चुके हैं। अब नेक्स्ट ब्रेक सीधा वैसे हमने 100 किलोमीटर को पार कर चुका है ज्यादा अब रह गया 113 किलोमीटर मोर तो 213 किलोमीटर की चैट है हमारी ट्रैकिंग तो 113 बच गया है। अब नीचे ही जाना है। आए तो हम यहाँ से थे ऊपर ये बॉर्डर है एक पहाड़ का चोटी 113 किलोमीटर और है देखते हैं कितने टाइम पे पहुँचते हैं। बहुत ही सुंदर जगह यहाँ के जंगले दिखाऊंगा इतने प्यारे जंगल है ना मतलब इतना मौसम वाले जंगल। ये देखा पहाड़ों को या खूबसूरत और बहुत ही लजीज फल जैसे हिंसर बोलदन पर एक दुई तरह का छन लाल और काला। ये मैं पता नहीं को बैरी छे पर ये बीजा महंगी बिग दिन भैर देश में जथा ताकत ऐच पड़ा पहाड़ में चरण में लग गई ऐसे बीजा ज्यादा उतन में। पूरे नैल चामी में ये खूबसूरत चीड़ के जंगल हैं जितने खूबसूरत हैं उतने खतरनाक भी क्योंकि इनके पत्तों से फिसलते भी हैं पर नज़ारा बहुत प्यारा देते हैं। हम रास्ता भटक चुके हैं तीनों ही क्योंकि काफ़ी सालों बाद जा रहे हैं पर गांव के रास्ते मिल ही जाते हैं। न हो कखी अजाणम न हो कख तेरी आँखी आँसू कहा था ना रास्ते मिल ही जाते हैं। हम बेहद करीब चा लेकिन हम उते दिखी या भोटिया प्योर भोटिया जैन बड़ू है के शेर दगड़ लड़े कन दांत दिखाते बस हम पहुँचे गिन मामा जी का घर बीजा साल बाद। तेरी पीड़ा माँ
यूच मेरी माँ को गाँव, मेरी माँ को घर, जख अपरो बचपन बिताई, खेल कूदी होला। लगदो च सभी से अचन। खैर हम आए भी तो बहुत ही बेकार टाइम पर। तोर रास्ता भूली छ नम ऋतु ऋतु चेत की डांडी काठियों को यू गोई के होलू न्यार में तू बोड़ मोई के होलू डांडी काठियों को यू गोई के खुला खोलू छोड़ी उड़ना वाला चखुला खोलू छोड़ी उड़ना वाला बेटूला ये चंद मामा जी का सर्टिफिकेट्स। अपना टाइम भर मामा जी ऑरेंज बेल्ट चा और ब्लैक कमांडो भी चा। तो ये चंद सर्टिफिकेट्स आप देख सकते दीवार भर फोटो और यू च हमार सुभाष भेजो लड़का सोमिल। छुट्टी पड़ गया छुट्टी पड़ गया अच्छा कुछ बोल चांद दो कुछ बोल दो चुपके चुप मां बैठा बना बाबा जी उदास बाटू ही नहीं हुई। अब दिखाओ दो कि गांव में मेहनत कर के की हो दो। ये जो आड़ू डालो आड़ू ये चल जाहिर से बात से अंगूर ये माल्टा ये चल नारंगी और ये चल और सोच पोलम और ये च संतरा और ये केला ये पोलम चल पहाड़ियों के फेवरेट खट है। और यूच अनार इतना चीजें हो गई और ये च मेरे फेवरेट फेवरेट गदरा यक है सीनरी। मतलब मैंने आज तक कखी नहीं देखे इतना सुंदर च नहीं। मामी जी हम उतने जाना थे साफ से करने और ये सभी डाला ना अखरोड़ा चन मामी जी बता रही है कि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे भालू आए थे और इन्होंने यहाँ पे बहुत ही वैसा आतंक मचाया था। अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है अगर किसी ने भी इतना सुंदर व्यू देखा हो तो तब बताना क्योंकि सब सच्ची में सीरियसली ये मेरा फेवरेट जगहों में से एक है। खैर मैंने इसे अच्छी जगह वैसे देखी भी नहीं है पर अभी फ़िलहाल ऐसा ही हो रखा है वरना एक टाइम पे जब यहाँ से झाड़ियाँ बहुत कम थी तो बहुत ही सुंदर दिखता था ये। तो पहले संगीता अनीता वो लोग करते थे तो
अब वो ससुराल में है। ये है जोक जिसे खून पसंद है। आप में से बहुतों को पता होगा ये लौकी हुई गई स्टार्ट। वापस घर की ओर, काफ़ी टाइम हो गया इस समय उस वहाँ गदर में, फिर काफ़ी जंगली जानवर आ जाते हैं, ट्रिक तेंदुआ और भी बहुत से, मामा जी भी आ गए। ये जो कुत्ते देख रहे हो ना, ये मात्र 15 दिन के हैं, तो ये हैं बाघों से लड़ने के लिए। खैर अभी ये बच्चे हैं, पर जब ये बड़े होंगे तो तब देखना, ये बिल्कुल भालुओं की तरह दिखते हैं। ये सारी ईंटें खुद बनाई गई हैं भाई के द्वारा शायद, या फिर पता नहीं मुझे, पर इस खांचे से बनाई है। गुड मॉर्निंग नैलचामी। यार रात को बारिश हुई थी और सुबह व्यू देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये सी भलू और कीवे शब्दों, मतलब सुबह सुबह आंखों के सामने इतना अच्छा नज़ारा और चहकते हुए ढेर सारी चिड़ियाँ। मामी जी हम थे गर्म पानी चिकन नहीं धुआने थे, पर व्यू देखा भैरो, सूद देखा पार, हिरन हिरन यक गौर बटिन दिखा दो। आप लोग जू जादन चिड़ियाघर, चला नाश्ता भी तैयार। भाई भी देखेंगे ना कुछ कुछ रे बार दिया तो बोला बोला अरे ना भली चला था बोला कुछ रे बार दिया तो भाई देख रहे, भाई भी तो देखेंगे, देखते हैं वीडियो। आप बोलो तो भाई भी देखते हैं। चला था अब जानो वक्त है कि अब हम मौसी का एक जाना, ये कुखड़ा भी बैठ देश बिटिन चल रहा है का। बाय सुमिल, बाय। बेड़ पाको बार मासा, बेड़ पाको बार मासा, नारणा कफल पाको चेता मेरी छेला, नारणा कफल पाको चेता मेरी छेला, ना ना अलमोड़ा की नंदा देवी, अलमोड़ा की प्रणाम भाभी, नंदा देवी ठीक है, प्रणाम मामी, देख ले ठीक है, बैठो मेरी छेला। हाँ ठीक है, बेड़ पाको मासा, ठीक छे रे बात नहीं देण बार मासा, नरणा कफल पाको चेता मेरी छेला, नरणा कफल पाको चेता मेरी छेला। मौसी के यहाँ जाने से पहले मैं मामा जी का पोस्ट ऑफिस दिखाता हूँ जहाँ वो जॉब करते हैं। मामा जी वही जिनके सर्टिफिकेट्स दिखाए थे, ऑरेंज बेल्ट कमांडो। तो ये ऊपर एक कमरा है जहाँ पे वो काम करते हैं, नीचे भी एक पोस्ट ऑफिस है, वो दुकान है और वो, चलो
मटे किसी मेरी छेला बेड़ पाको बार मासा बेड़ पाको बार मासा नरणा कफल पाको चेता मेरी छेला नरणा कफल पाको चेता मेरी छेला। बिल्ली का बच्चा अपने ब्रेकफास्ट में मग्न है। ये वाला ऋण जोड़ा ऐसे चाड़ी ये देखो एक हिरन मैंने ऊपर घर से दिखाया था, एक यहाँ पे चल रहा है, तो ऐसे नजारे सच बोलो क्या आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो भी ऊपर छत में कुर्सी लगा के चाय पीते हुए हिरन घूमते हुए। कभी कभी यहाँ पे बाघ भी टहलते हैं अपने बच्चों के साथ, तो ऐसे नज़ारे अद्भुत है। मामा जी हमें मौसी के यहाँ जाने का रास्ता बता रहे हैं ताकि हम भटके ना। ठीक से तब बाय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, धन्यवाद। अगली वीडियो में आप देख ला कि कल चुआने बच्चों आईटीआई कॉलेज बर्बाद कर ले और गांव में बेहद खूबसूरत बंगलो और एक ऐसा धूल जो पैरों को बर्बाद कर दे और चीड़ से निकलता गोंद जो कि बहुत महंगा बिकता है और कीवी के जंगल और बहुत खूबसूरत नज़ारे चिरबिट्टिया के चिरबिट्टिया गांव।